नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। यूपी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी के साथ इस कदर खिलवाड़ का नजारा है, इसका नजारा देखने को मिला बलिया जनपद की महिला चिकित्सालय में, जहां आज सरकार के दावों की पोल खोल रही है। जिला महिला चिकित्सालय में मरीजों का आरोप है कि दवाओं का घोर अभाव, साथ ही वर्षों से ऑपरेटर के अभाव में अल्ट्रासाउंड से बाधित है। यूपी के बलिया से तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। यह युवक जो अपनी परिजन का इलाज जिला महिला चिकित्सालय में करा रहा है, जिसको सारी दवाएं बाहर से खरीदना पड़ रहा है। बाहर से लिखा जाता है। कितने की दवा लास्ट किया बाहर से? 500 यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। दवाओं की उपलब्धता के बारे में हमारे संवाददाता ने महिला चिकित्सालय के अधिकारी से बात किया तो उनका कहना था कि चिकित्सालय में सारी दवाएं उपलब्ध हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन तो है जी, लेकिन चूंकि एक ही डॉक्टर संजय सिंह जो डिप्टी सीएमओ का भी काम देख रहे हैं, इस समय नोडल का भी काम देख रहे हैं, इधर की टेंडरिंग सर्विस बुक तैयार हो रही है, यहाँ भी काम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला मुख्यालय पर दूर दराज से मरीज आते हैं, लेकिन जब यही सुविधाओं का टोटा लगा रहेगा तो फिर जनपद की क्या तस्वीर होगी? लगभग 10 वर्षों से महिला चिकित्सालय में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है यहाँ पर सर। फिर कहाँ कराते हैं आप लोग? प्राइवेट में कराते हैं। कितना दिक्कत होता है? अब यहाँ ज्यादा दिक्कत हो रहा है, दिक्कत की कमी है। मान लीजिए नहीं हो रहा है अल्ट्रासाउंड तो भाई किस लोग पैसा होगा, नहीं होगा तो दिक्कत होगा ना। अधिकारी का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, लेकिन वही कर्मचारियों को नसीहत दी कि अगर सेवा भाव से काम करे तो इस भी समस्या से निपटा जा सकता है। दवा लाने के लिए कौन भेजा था आपको? अल्ट्रासाउंड मेरे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक मुझे कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं। सफाई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया जाता है।